हेलो गाइस और मोस्ट वेलकम इन माय न्यू सीरीज दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सवेल की इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टिप पर होनी चाहिए, परमानेंटली याद होनी चाहिए। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, बस एक स्टेटमेंट याद रखिए, गुड प्रोफेसर हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर। ठीक है, ये स्टेटमेंट अगर आपने याद कर लिया, सबका फर्स्ट लेटर उठा लीजिए, एक रेक्टेंगल बनाइए, यहां से मिड से लिखना स्टार्ट करिए, गुड प्रोफेसर हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर। उसके बाद याद रखिए, पहली इक्वेशन बनाने के लिए डाउन जाना है, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए लेफ्ट से राइट जाना है, तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए अप जाना है, और चौथी इक्वेशन बनाने के लिए लेफ्ट की तरफ जाना है। तो पहली इक्वेशन बनाते हैं, अगर हमें डाउन आना है तो डाउन आएंगे तो पहले टी पड़ेगा, फिर भी तो लिखिए डो टी बाई डो वी, और टी के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हो उसको यहां पर रख दीजिए। फिर उसके बाद इधर से भी डाउन आइए, डो पी बाई डो एस, और इसके पी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, वी है, तो वी रख दीजिए। और याद रखिएगा, अगर पी और एस एक ही साइड पर आ रहे हैं तो निगेटिव साइन ले लीजिएगा। इसको बनाइए, अगर मैं राइट जाऊं तो पहले टी पड़ेगा, फिर पी, वी पी पड़ेगा, तो ये हो गया डो टी बाई डो पी। टी के करस्पॉन्डिंग कौन है, ऐसे तो एस रख दिया, इधर से राइट जाइए, डो वी बाई डो एस, देखिए डो वी बाई डो एस। वी के करस्पॉन्डिंग कौन है, यानी डायगोनल पर कौन है, पी है, तो यहां पर पी रख दिया। अब पी और एस दोनों ऑपोजिट साइड पर आ रहे हैं तो पॉजिटिव। अब इन्हीं दोनों और इक्वेशन को मैं बना के दिखाती हूं, अगर आप अप जाओगे तो देखो भाई, अप जा रहे हैं तो क्या मिलेगा, डो वी बाई डो टी, ठीक है, और वी के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी है, इज इक्वल टू दी, इधर से भी अप जाइए, ये हो गया डो एस अपॉन डो पी, और इसके एस के करस्पॉन्डिंग कौन है, टी है, दोनों एक ही साइड पर आ रहे हैं, निगेटिव साइन ले लीजिए। ये थर्ड इक्वेशन होगी, जरा इसको देखिए। अभी क्या करेंगे, लेफ्ट जाएंगे, जब लेफ्ट जाएंगे तो देखो मिलेगा डो पी बाई डो टी, ठीक है, और पी के डायगोनल में कौन है, वी है, इज इक्वल टू दी, इधर से भी लेफ्ट जाइए, डो एस हो गया, और यहां पर कौन है, डो वी है, और एस के करस्पॉन्डिंग कौन है, टी है, एस और पी दोनों अपोजिट साइन में है, अपोजिट साइड पर है बेसिकली, तो पॉजिटिव ही रहने दीजिए। चारों मैक्सवेल इक्वेशन आ गई है एक स्टेटमेंट की हेल्प से। आई होप आपको पसंद आया होगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच।